बरसात के समय में पौधों में पानी रुकने की समस्या। जुलाई का मौसम है, बरसात लगातार हो रही है, हमारे गमलों में पानी जमा हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह, हरिहर सिंह इंफोट्यूब से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि हमारे गमलों में बरसात के मौसम में पानी रुक रहा है, पानी निकल नहीं रहा है, तो निश्चित ही पौधा गल जाएगा। तो पहली बात हम चर्चा करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम तीन कारण बताएंगे जो मुख्य हैं। पहला है मिट्टी में रिवर्सन ज़्यादा मिल गया है। जब आप पौधे के लिए मिट्टी बना रहे थे, तब उसमें जो आपने मिलाते हो मिट्टी में रिवर्सन का, बर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सॉयल, तो उसकी एक अपनी मात्रा होती है। अगर आपसे वो रिवर किसी गमले में रिवर्सन ज़्यादा पड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी पानी रुकता है, क्योंकि वो नीचे जम जाता है और पानी ड्रेनेज नहीं होने देता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, पानी पास नहीं हो रहा है, तो दूसरी बात, गमले में पौधों की जड़, यदि आपके गमले पुराने हो गए, पौधे गमले जो आप पेड़ पौधे लगाए हो वो बहुत पुराने हो गए हैं, तो गमले के अंदर उसकी जड़ें बहुत फैल जाती हैं, पूरी मकड़ जाल बना देता है वो, जिससे पानी को आगे नहीं बढ़ने देता। जब पानी को आगे नहीं बढ़ने देगा तो निश्चित है कि पानी गमले में ही भरा रहेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है, उपाय हम आपको बताएंगे। तीसरा है दोस्तों कि ड्रेनेज होल, जिस गमले में आप पौधा लगाए हो उसका ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया है, तो उसे खोल लीजिए। हम आपको तीनों से आपको कैसे निजात मिले, कैसे आप इनसे गमले का पानी आपका निकालें। एक पहला उपाय है कि आप इसको, बड़े आसान सा उपाय है कि गमले को हमेशा बारिश भर इसको टेढ़ा रखो, कोई पत्थर लगा के। अगर आप बारिश में कुछ इसको और उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो गमले को टेढ़ा करके रख दो, ईंट लगा दो। जैसे आप गमला देख रहे हो, ये सीधा है अभी, तो इसको, इसके दो पैर ऊंचा कर दो एक तरफ का, तो टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होएगा तो जो भी इसमें पानी गिरेगा वो बाहर गिरता रहेगा। तो इसका, और दूसरा दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले एक दो दिन के लिए, अगर बारिश रुकती है, इसकी मिट्टी को डीपली गुड़ाई कर दो, थोड़ा नरम कर दीजिए कि पानी नीचे जाने लगे, को सॉफ्ट बनाए इसको। और गोबर का सॉलिड खाद, जैसे आप देख रहे हैं ये सॉलिड खाद गोबर का हमने ऊपर रखा हुआ है इसके, तो सॉलिड खाद जो है इसको, जैसे मैं और भी आपको दिखा रहे हैं, जब गमले में पानी लगे आपका, जैसे मैं सॉलिड खाद बोल रहे हैं, इसको सॉलिड खाद बोलते हैं, देख रहे हैं ये बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, ऐसे ऐसे बड़े टुकड़े इसके ऊपर रख दो, ऐसे सजा दो, दिख रहे हैं आपको ना, ये देखो, एक तो ये बहुत पानी सोखेगा और ऊपर से इसमें जो पानी भरने की जगह कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भर दोगे इसके अंदर, तो गमले में जो जगह हो कम हो जाएगी पानी भरने के लिए। और एक बात दोस्तों, मैंने कहा था कि गमले में जड़ बहुत हो जाती है। जैसे आपका पौधा जब बड़ा हो जाता है और गमला छोटा पड़ जाता है, तो उसमें जड़ें बहुत हो जाती हैं। जब जड़ें बहुत हो जाती हैं तो पानी निकल नहीं पाता है, तो इसकी जड़ें ज़्यादा मात्रा में गमले में चारों तरफ से भर देती है, तो तुरंत गमला बदले। आप गमले को या तो बड़ा करें, या तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन 6% लेके गमला उखाड़ लें, आप अपना पेड़ को उखाड़ लें, पौधे को, और हाइड्रोजन 6% में आप लिक्विड बना के उसमें उसकी जड़ों को साफ करके उसकी जड़ें कम करें, तो आप रीप्लांट कर दें।
तो ऐसा थोड़ा सा 5% चांस रहता है कि पौधा सूख जाए, लेकिन अगर आप गमला बड़ा कर देंगे, पौधा बहुत अच्छा है आपका, आप पेड़ को नष्ट होने नहीं देखना चाहते हैं, तो आप उस गमले को थोड़ा बड़ा कर दें तो उसको आप रीप्लांट कर दें। गमले में रीप्लांट करने के लिए, गमले से पौधे को रीप्लांट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसमें 2 दिन पानी मत डालिए गमले में। जब आप 2 दिन पानी नहीं डालेंगे तो गमले की जो मिट्टी है वो चारों तरफ से छोड़ देती है, चारों तरफ से गैप बन जाता है। पानी जब, मिट्टी जब सूखती है गमले की, तो चारों किनारे से गैप बन जाता है। फिर आप पौधे को पकड़ के गमले से बाहर निकालो, मिट्टी के साथ बाहर आ जाता है। तो मिट्टी सूख जाती है तो चारों तरफ से छोड़ देती है, उसे बाहर रख निकाल लो और आप रीप्लांट कर दो। और एक चीज़ दोस्तों बताया था कि ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलता जब, तो ड्रेनेज होल से पानी के लिए तो साधारण सा तरीका है कि आप गमले को टेढ़ा करिए, या तो आप ज़मीन पर रखे हो तो गमले को उठाओ। जैसे देखिए, हमने कोई भी गमला ऐसा ज़मीन पर नहीं रखा है, दिख रहा है आपको, ये सब स्टैंड पे हैं, देख रहे हैं गमले सब स्टैंड पे हैं। ये तो हल्दी है, तो उसके नीचे से, अच्छा आप दिखाऊं आपको, जो ये पार्ट है ये वाला, अच्छा नीचे से उसके लकड़ी डाल के उसके होल को खोल दीजिए तो पानी निकल जाएगा। बरसात के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात होती है कि गमले में पानी लगने न पाए, कि बारिश तो रोज़ हो रही होती है, जब होने लगती है तो 4-4 दिन तक होती रहती है, तो आप पानी को उसको जमा ना होने दें, उसका पानी निकल जाए। सबसे पहला काम तो आप होल को, पहला काम आप होल चेक करिए, होल अगर खुला हुआ है फिर भी पानी लग रहे हैं तो और बातें हैं जो हमने बताई है, लेकिन सबसे पहले आप होल खोल दीजिए, ज़्यादा चांसेस रहता है कि होल बंद हो जाता है, तो होल खोल दीजिए, पानी निकलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको अच्छी जानकारी दी है, तो आप हमारे वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करिए और वीडियो पूरा देखा करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, हम आपको रोज़ एक वीडियो भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइटम दबाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।